नमस्कार, जय जगन्नाथ। मोर आशा और विश्वास आपण माने समस्ते भलर थिबे। कौन भलर अछंती कि नाही? राधा कृष्ण मंदिर तो आपण माने बहुत देखी थिबे, किंतु मु आज आपण मानको गोटे देखा जाऊछी बलराम को मंदिर, जोटा कि भद्राज टेम्पल ना रे एठी फेमस। एटा मसूरी ठारू प्रायत 15-20 किलोमीटर दूर रे अच्छी। हाँ, जदि आपण एपर्यंत मो चैनल सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु, आदि भल लगुच लाइक कमेंट आउ शेयर भी कर दिंतु। बहुत बहुत धन्यवाद। डेहराडून रु मसूरी आसवाई दि तीन टा वे अच्छी, मुझे तो आपन को गोटे वे देखे थी। यहाँ गोटे किमाड़ी रास्ता देखिए आसपार मसूरी, जोटा कि पूरा ट्राफिक फ्री, पूरा मस्त रास्ता भी अच्छी, रास्तार कौन असुविधा ना। आम ये टी छोट छोट रेस्टोरेंट थी आम मिलला आमको, तो आम ये टे नास्ता करदे। चल चलतु, छोट छोट घर भी अच्छी। मैगी, चाउमीन, मोमोज, आलू पराठा ये सब आपको मिल जाव रास्ता पाखे, किंतु भात फात खावाक टे दूर जाके मेन रेस्टोरेंट जावाक पड़ो। आम ये टी चाउमीन खाईद, बहुत दिन है चाउमीन खाई नी, मस्त पूरा ग्रीनरी ग्रीन चाउमीन दे। पहाड़ रे पशु पक्षी मान किसी कमी ना, यहाँ घोड़ा भाला देखा कि बोधे लगुच गचर ना कौन कहते मुझे जानी। आहरी तीन टा आसे उत्तराखंड मत लगुच जू जीवार कौन आवश्यकता नहीं, एमती खुलम खुला जदि पशुपक्षी देखा मिले ताने जू कौन पाई जड़े जीव। ये होची रास्ता कड़ पाचेरी, देखु बाउँस बोधे बनाई किंतु जहाँ भी हो सेफ। यू आम गोटे हाथी पाऊँ बोली गोटे जगह अच्छी, मानने जगह तो नहीं गाँ अच्छी, से पार करापे जर्ज एवरेस्ट गोटे पॉइंट अच्छी, से पहुँचिक आगे जावाक पड़ो। यो मार्केटा देखा यू जो जर्ज एवरेस्ट गोटे जगह अच्छे से जापर यू बाँ को जवाक पड़ो, जर्ज एवरेस्ट जावाक सीधा जावा गले आम से मंदिर पाखे पहुँचवा। एमको यहाँ सिंगल वे मिल जाए, बहुत कम उसार रास्ता अच्छी, कार बाइक एक गोटे साथ पास होबार पॉसिबल अच्छे, किंतु दीटा कार के जापर बहुत सावधान जावाक पड़ो। एठू मंदिर प्रायत 10 किलोमीटर खंडे अच्छी, किंतु रास्ता बहुत ही देखिपे आप पतला रास्ता। मुझे जिते बेले भी ट्रैवल करे पहाड़ मझी देखी के बोर फिल कैन, कहीं पहाड़ भितर जिते आम ट्रैवल करे ना एत सुंदर सुंदर नेचर आमको देखा मिले ना, बिल्कुल भी बोर लगे। ये भी गोटे छोट कौन रेस्टोरेंट आमको देखा गला, किंतु आम तो खाई आसलु आमको कौन खाइबा दरकार, एमती छोट मैगी फैगी पॉइंट तो सब आड़े मिल जाव। आ तो जमी क्यूआर कोड द्वारा जो पेमेंट होता थ्रो तो किसी नो टेंशन, पैसा नथले भी नो टेंशन, खाली मोबाइल नेटवर्क थी दरकार। आ मो साथी सब ज्योतिषमान थाए, कहीं सी बहुत एक्सपीरियंस हो तार कार चले चलेगा, नो टेंशन मते से जिते मो साथी थाए से नुआ नुआ पहाड़े चलाऊँच, किंतु तार बहुत एक्सपीरियंस हो गला। यहाँ देखो पूरा जंगल भितर आम जाऊँ, कि परफेक्ट रास्ता ना, किंतु सेते भी खराब ना कि जमीक कार जापर देखिए, आम जिते जोर संभव से बाट पर्यटन जीव, तापर अभीयसली चलिक जावाक पड़ो, कि रास्ता एवं बहुत खराब खराब नजर को आसला। मु तो सजेस्ट करी जदि आप पहाड़ एमती रास्ता आपड़ मिलूचना तेरे कार नहीं जातु, स्कूटी बेस्ट, नहले टिके भल बाइक जदि थी से जातु, आमतीका रास्त बिल्कुल भी कार नहीं आसतु। आमको गोटे कार मझे देखा जाऊँचे से आम भाविल कि हाँ चल जावा,
ନହେଲେ ସେଫ୍ ନୁହେଁ ବିଲକୁଲ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖରାପ ରାସ୍ତା, ଫିର୍ ବି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଜୋର ସମ୍ଭବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ କାର୍ ବି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। ଫଟୋଗ୍ରାଫି କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ବନାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ତ ଡେରାଡୁନ୍ ଆଉ ମସୁରୀ, ମେନଲି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। ବିନା ପଇସାରେ ମସ୍ତ ସୁଟିଂ ହେଇଯିବ। ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ହେଉଛି ଜୁଗାଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଚିରି ବନାହେଇଛି, ପୁରା ଟିଣ ପାଚିରି ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଜୁଗାଡ଼ରେ ବନାହେଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲାଣି ବାଉଁଶ ପାଚିରି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଇଠୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ କି ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବୁନି, ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଯିବନି, ଏଇଠି ଆମେ କାର୍ ରଖିବୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖାହେଉଛି ସେଇଠି ହିଁ ସେ ଟେମ୍ପଲ୍ଟା ଅଛି, ଏଇଠି ଆରାମସେ ରଖିପାରିବେ ଗାଡ଼ି, ରଖିପାରିବେ କିଛି ନୋ ଟେନସନ୍, ଜାଗା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆମେ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବୁ, ଏଇଠୁ ପ୍ରାୟତଃ 7 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଟ୍ରେକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ, ଏଇଟା 7 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ଅଛି। 2-3 ଦିନ ତଳେ ଏଠି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ା ପୁରା କାଦୁଅ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି। କାର୍ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଯିବନି, ବାଇକ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯିବ ଏଠି। ଏଇଟା ହିମାଳୟନ ହିଲ୍ସ, ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରରୁ କେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ହିଁ ଆମେ କାର୍ ପାର୍କ କରିଥିଲୁ, 2-3 କିଲୋମିଟର ଆସିଗଲଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି, ପାହାଡ଼ ଟୁ ପାହାଡ଼ ବାସ୍ ଚାଲୁଛୁ। ଟ୍ରେକିଂଟା ପାହାଡ଼ ସହ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବି ଅଛି, ବାଃ ମଜା ଆସିଗଲା। ପୁରା ସରୁ ସରୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, କାର୍ ବିଲକୁଲ ବି ଯିବନି, ଓନ୍ଲି ବାଇକ୍ସ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ସ। ଟ୍ରେକିଂ କଲାବେଳେ ସାଥିରେ ପାଣି ବୋଟଲ ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ସତରେ ଏତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନେଚରକୁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଏଇଠୁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଗଲାଣି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ କେମିତି ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି, ପୁରା ସାପ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଏ ରାସ୍ତାଟା। ଆମକୁ ସେଇ ପୁରା ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟା ଗଛ ମିଳୁଛି, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବି ପତ୍ର ନାହିଁ। ଜୟ ଜୟ ଗୋମାତା, ସତରେ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ବସିଛି ସେଇଠୁ ଗୋମାତା। ଏବେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ମିଳିଛି, ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ଏଇ ଗାଁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବା, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଝୁଲା ବି ଅଛି ଏଠି, ଏତେ ବଡ଼ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ତ ଅଛି। ପୁରା ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ସ୍କୁଲ, କିନ୍ତୁ ସର୍ଟକଟ୍ ନେବାକୁ ହେଲେ ଏମିତି ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ହିଁ ମିଳିବ, ଟିକେ ଟିକେ ସର୍ଟକଟ୍ ତ ହୁଅନ୍ତା ଏଇନା ବସ୍। ଆମେ ଏତେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଯେ ସେ ଗାଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ନାଉ ଲେଟ୍ସ ଡୁ ସମ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏମିତି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଚାଲେ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ କେମିତି ଚାଷ ହୁଏ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ,
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚାଷ ହେଇଛି, ଅଦା ଗଛ ବୋଧେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ବି ଅଛି ଜଗିବା ପାଇଁ ବୋଧେ, ଏଠି ଅଦା ଚାଷ ବି ହେଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ଏ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କ'ଣ କ'ଣ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଏଠି କରିପାରିବ। ଫାଇନାଲି ଏଠି ମୋତେ କିଛି ମୋ ସାଥି ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଙ୍କଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ତାହେଲେ ଆସିଥିଲେ। ଏଇ ଜାଗାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖିଥିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ସେ ଜାଗା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲେକ୍ଟେ ଅଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ପାଣି ତ ବିଶେଷ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲୁ ବ୍ଲୁ ଦେଖାହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି, ବେଶୀ ପାଣି ନାହିଁ, କମି ଅଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ୱାଃ, ମଜା ଆସିଗଲା। ଏବେ ଜଣେ ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖାଦେଲେନି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। और यहाँ लास्ट टाइम जो लास्ट वीक बर्फ गिरा था, यहाँ गिरा था क्या? हाँ जी, बहुत भयंकर सामने पड़ी थी ऊपर बद्रा टेम्पल के सामने जस्ट ना। हाँ हाँ, क्योंकि आजकल धूप ज्यादा हो रही है ना, साफ मौसम हो गया, पिघल चुकी है। अच्छा, मेरे को अभी ये है कि जब तक वो मतलब पृथ्वी पकड़ पड़ सकती है बर्फ। अच्छा, तो आप कहाँ रहते हो? नीचे नीचे गाँव सतली, जस्ट इसी के नीचे। अच्छा, ये भद्राज टेम्पल क्यों फेमस है भाई? ये तो आप ऊपर वाला है बस, फिर भी आप थोड़ा, हाँ इतना पता नहीं। और यहाँ पूरा पानी हो जाता है यहाँ जो है? हाँ, यहाँ पे 12 मास ऐसे पानी, ये नीचे नहीं होता है। अच्छा, सूखता भी नहीं है? नहीं। यहाँ बंदर का आपको ऐसे जस्ट ऊपर दिखेगा, वहाँ पानी एकदम पता नहीं चलता वहाँ। अच्छा, ऊपर भी है जहाँ पे, ये पक्की रोड है। अच्छा, यहाँ से और कितना दूर है? ये 3 किलोमीटर करीब। 3 किलोमीटर और है? वो भैया बोले थे 1.5 किलोमीटर है। अब थोड़ा सा आपको ये लास्ट ऊपर सुकाल पे दिख रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, बस वहाँ तक ही चढ़ाई है, वहाँ से भी प्लेन रास्ता है, हल्की से चढ़ाई मतलब घाटी थोड़ा आगे से। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर क्यों जाऊँ? सु से एक बढ़कर लगा। कैसा लग रहा है ऊपर से? इधर देखो, इधर क्यों देख रहे हो? रास्ता तो अच्छी किंतु ट्रेक करियार मजा भी अच्छी, टिक्की शॉर्टकट जी कहते माइंड रिलैक्स करे, रास्ता तो कमे नहीं बस माइंड रिलैक्स हो। ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ଅଛି, ମେ ବି ଏଇଟା ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇପାରେ। ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବନୁଛି, ତ ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ତ
हाँ, कैसे मंदिर बना था यहाँ पे? सदियों पुराना है। अच्छा, थोड़ा बताएंगे क्या मंदिर के बारे में? आप ये मंदिर बना रहे हो, मंदिर पे काम कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छे लग रहे हैं, बाबा की महिमा है। अच्छा, बाबा ने अपने आशीर्वाद से हमको बुलाया है। कितना दिन से चल रहा है काम? ये काम तो बहुत पहले से चल रहा था, अभी तो आज कल से शुरू हुआ है। अच्छा, टाइल पत्थर तो काम चल गया था, पहले दो साल से काम चल रहा है। अच्छा, उसके बाद कल से भी 13 जनवरी 1922 से 2022 से काम शुरू हुआ है। अच्छा, टाइल पत्थर चलेगा कम से कम 6-7 महीने तक और काम चलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छे से बनाएगा, अच्छे लोग आएगा, लोग आएंगे, आपका तारीफ करेंगे। वही बात है, बस बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है जी? अखिलेश यादव। ओके जी, थैंक यू।